क्या दोस्तों, आपके भी Realme के स्मार्टफोन में आपको OTP की प्रॉब्लम होती है? तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। OTP की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में Realme के स्मार्टफोन में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। वीडियो पसंद आए, हेल्पफी हेल्प हो जाए तो इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेरे पास है जैसे कि Realme का स्मार्टफोन, ठीक है, Realme C11। और दोस्तों आपको OTP प्रॉब्लम आ रही होगी, तो यहाँ पे मैं कुछ सेटिंग आपको बताऊँगा आपको करनी होगी। सबसे पहले आप जाएंगे अपनी मोबाइल की सेटिंग के अंदर। मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नीचे की तरफ चलना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन, इसे आपको यहाँ से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे होगा इरेज ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग को यहाँ से रीसेट कर देना होगा, क्योंकि नेटवर्क सेटिंग में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी OTP नहीं आती है। तो नेटवर्क सेटिंग को यहाँ पर रीसेट कर दीजिएगा। नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। जैसे कि मैं प्ले स्टोर में आ चुका हूँ, अब जिस भी ऐप में आपको OTP की प्रॉब्लम हो रही है उसी ऐप को यहाँ सर्च कर लेंगे। जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या कोई भी XYZ ऐप है जिसमें OTP नहीं आ रही, OTP की प्रॉब्लम हो रही है, उसी ऐप को यहाँ सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे OTP की मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है हमें पेटीएम में, तो पेटीएम यहाँ पे इस तरीके से आप सर्च करेंगे, पेटीएम को यहाँ पे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वही एप्लीकेशन यहाँ अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे कि उस एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक एप्लीकेशन, जैसे कि यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, ठीक है, इसमें OTP नहीं आ रही है, तो इसे आप दबा के रखेंगे और यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन हो उसे आपको दबा के रखना है। ऐप इनपो खुलेगी, उस पर क्लिक करना है, इसे यहाँ से फोर्स स्टॉप करना है। यहाँ फोर्स स्टॉप लिखा होगा, स्टोरेज उस पर क्लिक करके क्लियर कैच कर देना है। क्लियर डाटा करके दोस्तों आप उसमें फिर से प्रवेश होंगे, लेकिन लॉगिन करना पड़ेगा, इसलिए आप देख पा के उसका क्लियर कैच भी कर सकते हैं। उसके बाद परमिशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे परमिशन सभी देनी होगी आपको, ठीक है। इस तरीके से सभी परमिशन देने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो ओपन बाय डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगर ओपन सपोर्ट लिंक खुलता है तो ऑलवेज आस्क कर लेंगे, ठीक है। सपोर्ट लिंक खुलता है एप्लीकेशन का तो वहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन हो www.paytm.com उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे, आप सिंपल से अपने यहाँ पे देखना होगा आपका यहाँ पे एरोप्लेन मोड एक बार आपको यूज़ करना है इस तरीके से, फिर से आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पावर वाला बटन दबाएंगे, जिससे कि मैं दबा रहा हूँ, पावर वाला बटन दबाएंगे, इसे आप रीस्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से आपकी जो OTP की प्रॉब्लम है रियलमी के स्मार्टफोन में वो सही हो जाएगी। दोस्तों फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।